अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम अपना अपना गरेबान में मतीउल्लाह जान। आज हम पार्लियामेंट हाउस के सामने बात करेंगे साइबर क्राइम बिल, यानी कि जो सोशल मीडिया और इंटरनेट के हवाले से कौमी असम्बली ने और नेशनल सेनेट ने जो कानून पास किया है उस हवाले से। ये जानना चाहेंगे कि आखिर जिन लोगों ने इस कानून के हक में वोट दिए या ये कानून मंजूर किया, वो ख़ुद सोशल मीडिया और इंटरनेट को कितना जानते हैं, कितना इस्तेमाल करते हैं, और वो इस तमाम इल्म की बुनियाद पर क्या उन्होंने इस कानून के हक में या मुखालफत में वोट दिए या नहीं। आप देखेंगे के बहुत से सवालात के बहुत दिलचस्प जवाबात सामने आए हैं। बड़ी तादाद अरकान असम्बली की ऐसी भी है कि जिनको ये पता ही नहीं कि इंटरनेट और ईमेल या सोशल मीडिया क्या होता है। आइए आपको दिखाते हैं दिलचस्प सवालात और उनके जवाबात अरकान असम्बली से, जिन्होंने साइबर क्राइम बिल पास किया है। आपकी अपनी ईमेल है? बिल्कुल है। आप उसको खुद ऑपरेट कर? ये नाम ना पूछिएगा, ईमेल मेरी किस नाम पे है? नहीं, अच्छा, आपने किसी और नाम पर रखी है? अपने नाम पे ही है, मेरे नाम पे है, लेकिन बस मैं इतना ज़्यादा उस पर इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा, आखिर दफ़ा कब आपने ईमेल इस्तेमाल किया? कुछ याद नहीं, कुछ याद नहीं, याद नहीं। इसलिए कि मैं इतना वो गैजेट फ्रेंडली नहीं हूँ। तो फिर ये जो साइबर क्राइम बिल पे आपने मंजूरी दी है कौमी असम्बली ने, तो इसमें क्या क्या जराएं हैं, आप बता सकते हैं? कुछ समझ आई आपको? असल में मतीन बात यह है कि इसमें ये नहीं है कि आप कोई जेन्युइनली जो बात जो इस्तेमाल करते हैं आप उसको रोक रहे हैं, आप तो उस चीज़ को रोक रहे हैं जो गैर ज़रूरी चीज़ें की जाती हैं, जिसमें मतलब गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और उसको नेगेटिविटी में इस्तेमाल किया जाता है। क्या है वो जराएं, क्या है जो कानून आपने पास किया उसमें जराएं क्या हैं, वो बता दें। अगर आप किसी को तंग कर रहे हैं या किसी को आप टीच करने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत किस्म की आप ईमेल्स करते हैं, अब आप इसको मतलब आप चाहते हैं कि मैं एलिब्रेट करूं? जी, क्योंकि आपने कानून बनाया ना, आपको पता तो होगा। अखलाकी तौर पे ऐसा नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। मैं अखलाकी आपने कानून पास किया है साइबर क्राइम का, साइबर क्राइम होता क्या है? यही है कानून, यही है कि आप अगर किसी की दिल आजारी कर रहे हैं या किसी साथ ज्यादती कर रहे हैं, मसाल मैं नहीं कर सकता। मैं अकाउंट है आपका फेसबुक? मैं इस मामले में एलिमिनेट नहीं कर सकता, आप समझदार हैं। आपका फेसबुक अकाउंट है या नहीं है? इसको मैंने आपको अर्ज किया ना, है या नहीं है बता? मैंने आपको कहा ना, मैंने आपको कहा है कि मेरा है, बिल्कुल है, लेकिन मैं उसको इस्तेमाल इसलिए नहीं करता कि मुझे उसकी जरूरत नहीं होती। अच्छा। लेकिन कभी अगर जरूरत पड़ती है। आपका ट्विटर अकाउंट है? ट्विटर का वो नहीं है मेरे पास। आपको पता है इंस्टाग्राम क्या होता है? मैं नहीं करता उसको इस्तेमाल भी नहीं करता। अच्छा। मैं इस्तेमाल नहीं करता, इतना टाइम आपके पास नहीं होता कि आप। अच्छा, कभी फेसबुक पे लास्ट टाइम आप कब इस्तेमाल किया आपने फेसबुक? मैंने आपको बताया कि मैं इतना फ्रेंडली नहीं हूँ, गैजेट फ्रेंडली। तो फिर आपने ये कानून कैसे पास कर दिया? आपको पता ही नहीं है सोशल मीडिया इंटरनेट होता है? वही बात मदीना, आप वो बात कर रहे हैं, नेगेटिव बात कर रहे हैं ना, आपको नेगेटिव बात कर रहे हैं। आप ये कर रहे हैं कि अगर आप इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्टिविटी इस्तेमाल करते हैं तो आप पे वो कानून लागू नहीं होता। अच्छा। लेकिन आप अगर नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं वो तो आप लागू। अच्छा, आपका जो मोबाइल फोन है वो स्मार्टफोन है या बटन्स वाला है? स्मार्टफोन क्या होता है? मैंने वही ना, स्मार्टफोन है, आम फोन और स्मार्टफोन, उसमें इलेक्ट्रॉनिक है, जितनी मॉडर्न होती जाएगी इलेक्ट्रॉनिक चीजें तो इस्तेमाल होती जाएंगी ना। वो स्मार्टफोन और आम फोन में फर्क क्या है? कर रहा हूँ ना कि मैंने आपको ये अर्ज किया है कि मैंने पहले आपको अर्ज किया है कि आप शायद ये कोशिश कर रहे हैं कि मुझे एम्बैरस करने की। तो मैं आपसे ये सवाल है, आप लोगों ने कानून पास किया है साइबर क्राइम बिल, मदीन आप लोग नेगेटिव बातें करते हैं आप। मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मैंने आपको पहली दफा कहा है कि मैं आप फोन अपना दिखा सकते हैं कि कौन सा फोन आप यूज करते हैं? बटन वाला है? बटन वाला नहीं रखता। अच्छा, बटन वाला फोन है? बटन वाला फोन है। मैं अपना एक साथ नहीं रखता इतना ज्यादा, ये मैं इतना साथ नहीं रखता। आप कर सकते हैं, आपके हक में है। आपने कानून पास करने से पहले कोई सवाल किए किसी से कि सोशल मीडिया होता है? आप कर सकते हैं इसलिए कि जिस मामले में आपको निकाला गया था ककुल एकेडमी से, मैं वो भी नहीं बता सकता। नहीं, आप बता दें, आप बता देना साहब। अब आप बता के जाए ना, आप तो जातियात पे आ गए। अब ये बताएं ना, आपको पता है सोशल मीडिया क्या? मैंने आपको बताया ना कि जिस एक्ट में सोशल मीडिया होता क्या है, आपको निकाला क्या? नहीं, आप नाराज हो रहे हैं, आपने कानून पास किया है, आप जाती हमले कर रहे हैं, ये मैं चलाऊंगा, फिक्र ना करें। लेकिन आप बता दो ना, सोशल मीडिया होता क्या है? आपको बता दिया ना, जिस बात पे आपको निकाला गया था वो तो आप बताएं। सोशल मीडिया के बारे में बता देना, डेफिनेशन बता दे, वो चीज में आपको निकाला गया, आपको तो इस तकरीर का पता ही नहीं है। साइबर क्राइम बिल के हवाले से मुख्तसरन सर ये बताएं कि आप लोगों ने जो साइबर क्राइम बिल कौमी असम्बली से जो पास हुआ है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि अरकान असम्बली सोशल मीडिया को कितना जानते हैं, तो हर एक से पूछ रहे हैं आप इंटरनेट कितना यूज करते हैं, आपका ई मेल है, खुद ऑपरेट करते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता
इसका रिवाज पड़ता जा रहा है, सोशल मीडिया से मेम्बरान पार्लियामेंट वाकिफ होते जा रहे हैं। पहले सोशल मीडिया की आफादियत और अहमियत का लोगों को पता नहीं था, अब चलता जा रहा है। लेकिन इसकी जो टेक्निकल डिटेल्स हैं, मैं नहीं समझता कि बहुत सारे लोग उसको समझते हैं या जानते हैं। जी जी, आप खुद ऑपरेट करते हैं? जी 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 जी, आपका फेसबुक अकाउंट भी है? जी जी, और ट्विटर अकाउंट भी है, आप खुद ऑपरेट करते हैं उसको? जी जी। आप नहीं समझते कि बहुत सारे मेंबरान को इन चीज़ों का मालूम ही नहीं है, जिन्होंने अक्सरियत बल्कि जिन्होंने कानून पास किया है, क्या यह हकीकत है? जी, मैं समझता हूँ कि यह आपकी बात में वजन है, और तभी मैंने कल गुजारिश ये की थी कि इस पर थोड़ी सी हुकूमत और गुंजाइश दिखा दे, क्योंकि अपोजिशन ने इस पर अमेंडमेंट्स पेश की, और वो अमेंडमेंट्स जो पेश की थी बेहतरी के लिए की, और जो इसकी जो हम समझते थे तजावुज़ किया जा रहा है, उस पर हमने उसको बेहतर करने की, बिल को बेहतर करने की कोशिश की। अगर हुकूमत कल भी इसको बुलडोज ना करती और थोड़ी सी और गुंजाइश निकाल लेती तो शायद कंसेंसस हो सकता था। कौमी असम्बली में साइबर क्राइम बिल पास हुआ है, आपने इसकी हमायत की? जी जी बिल्कुल, ना सिर्फ हमायत की, मेरी इसमें दो बहुत अहम अमेंडमेंट्स थी जो मैंने 2014 में जमा करवाई थी, और वो अमेंडमेंट्स थी टेलीग्राफ एक्ट में तरमीम के हवाले से, क्योंकि टेलीग्राफ एक्ट जो है वो बहुत पुराना हो चुका है, और जैसे जैसे जो है टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है और न्यू इंटरनेट गैजेट्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ज़रूरत है कि हम उसके मुताबिक जो है कोई कानून साजी कर दें। मेरा ये जो कानून पास, मैं आपको बता रही हूँ, वो मेरी जो थी स्पैमिंग और स्पूफिंग की जो अमेंडमेंट्स थी वो एज़ इट इज़ इस बिल में इनकॉर्पोरेट हुई हैं, और जिस पे ज़्यादा अपोजिशन का था, लेकिन उसका रैशनल ये था कि मेरे पास बेपनाह शिकायतें आ रही थी, मेरे पास उसके सबूत मौजूद हैं। एफआईए में साइबर क्राइम जो सेल है वहाँ पर मैं जब गई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास रोज़ाना 100 से 150 शिकायत आती हैं पूरे पाकिस्तान से कि किस तरह से ख़वातीन को हरासा किया जा रहा है और कई बच्चियों के घर तबाह हो गए हैं। आप मतलब जो हमारे मुआशरे, ये बड़ी अहम आपने बातें की हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आप ज़ाती तौर पर कितना सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हैं, क्या आपकी ई मेल है, आप खुद ऑपरेट करती हैं, आपका फेसबुक अकाउंट है? जी बिल्कुल, मैं ट्विटर पे हूँ, मैं फेसबुक पे, मैं वाइबर पे हूँ, मैं व्हाट्सएप पे हूँ, मैं मुकम्मल तौर से ईमेल मेरे हैं, और मेरा ज़्यादा कम्युनिकेशन अपने हल्के के साथ, लोगों के साथ, वो फेसबुक और ट्विटर और इसी के ज़रिए से है। और मेरे अपने साथ दो दफ़ा ये हो चुका है कि मेरी जो फेसबुक आईडी है वो हैक हो गई और किसी ने मेरी जो फेसबुक आईडी है उसको मिसयूज़ करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मुझे एनटीसी से कह के अपनी फेसबुक को बंद करवाना पड़ा। तो इन चीज़ों किस्म की चीज़ों को रोकने के लिए देखिए आपको कोई कानून लाना पड़ेगा, और ये कानून कोई नया नहीं है, ये पीपल्स पार्टी के दौर में भी ये आ चुका है, और ये मुशर्रफ साहब का ऑर्डिनेंस था, बल्कि इसमें ऑपोजिशन की 2 साल इस पर बहुत ज़्यादा बहस हुई है, मैं खुद कमेटी की मीटिंग्स में जाती रही हूँ, तो उसमें सब ने किया, और कल मैं नहीं समझती कि उसमें इस तरह से जो है करना चाहिए था। एक चीज़ और जहन में रखें, आप ये देखें कि पाकिस्तान में हमारी कौम का लिटरेसी रेट क्या है, आप इस चीज़ को भी देखें कि आपने हाथों में बच्चों के दे दिए हैं इंटरनेट गैजेट्स, दे दिए हैं सोशल मीडिया ओपन है, तो आप ये भी देखें कि यहाँ पर लिटरेसी रेट क्या है और लोगों का माइंडसेट क्या है। मगर ये कि है कौम का तो लिटरेसी रेट कम है, लेकिन जो जिन लोगों ने कानून पास किया है उनकी अक्सरियत भी तो सोशल मीडिया लिटरेट नहीं है, क्या ये हकीकत नहीं है? उनको पता ही नहीं है स्मार्टफोन क्या होता है, ईमेल क्या होती है, जिन्होंने कानून पे अंगूठा लगाया? नहीं नहीं नहीं, अंगूठा आप कोई भी नहीं लगाता, साइन करते, ये मेरे ख्याल में अब जो बात है वो पुरानी हो गई है, बिल्कुल सबको पता है, मेरे ख्याल में मेजॉरिटी जो मेंबर्स हैं, मेजॉरिटी मेंबर्स, अब आप देखिए कि 90 से ज़्यादा तो मेंबर्स हमारे जो यंग पार्लियामेंटेरियंस हैं वो फॉल अंडर द एज ऑफ 40, वो सब इसको यूज़ करते हैं, और आप मतलब बेशतर मेरे ख्याल में 80% 90% पार्लियामेंटेरियंस हमारे यहाँ से जो स्मार्टफोन्स इस्तेमाल करते हैं, जो ईमेल और सारे सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। कोई सर्वे हुआ है कोई? ये सर्वे तो नहीं, लेकिन मैं क्योंकि मेरा अपना इंटरेक्शन है, दिस इज़ माई थर्ड टर्म एज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मैं खुद यूज़ करती हूँ और मेरा है, और अब तो हमारी जो कमेटीज़ के ज़्यादा हमें नोटिफिकेशन है और सारा है, हमारे ईमेल्स और व्हाट्सएप पर हम कम्युनिकेट करते हैं। साइबर क्राइम बिल के हवाले से भी वोट दिया ऑब्वियसली, और वो कानून भी पास हुआ, आप ज़ाती तौर पर सोशल मीडिया कितना इस्तेमाल करते हैं? और मेरी कोशिश होती है कि उसमें जितनी भी गलत चीज़ें मैं उन्हें खुद भी तंबी करूं और ख़ुद भी उस चीज़ से अवॉइड करूं, और मैं अपनी उसमें जो है फेसबुक में या इसके हक में वोट दिया? नहीं देखिए, हक में तो हूं, इसलिए कि जिस तरह साइबर क्राइम का इस्तेमाल हो रहा है मैं समझता हूं कि इंतहाई गलत है, लेकिन जिस तरह इसको बनाया गया है उसमें कुछ शिकें ऐसी हैं जिस पर हमें एतराज़ है, हमें बिल पर एतराज़ नहीं है, बिल होना चाहिए, हम भी उसके हक में, और हमने खुद मिलकर उसे बनाया, लेकिन 10 से 20% शिकें ऐसी हैं कि जिससे आप बच्चे को फौरी तौर पर गिरफ्तार करवा देंगे, फौरी तौर पर उसको नॉन अवेलेबल कर देंगे, फौरी तौर पर उसको जो है वो ऐसी सज़ा मिल जाएगी जिससे कि वो बच्चा जो है वो मासूमियत में मारा जाएगा। देखें,
جب بھی کوئی سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ ذاتی طور پہ آپ کا ای میل اکاؤنٹ ہے فیس بک اکاؤنٹ ہے ٹویٹر اکاؤنٹ ہے آپ استعمال کرتے ہیں بالکل ہے بالکل اسمارٹ فون آپ بالکل ہے تو آپ کے خیال میں کتنے اکثریت جو اراکین اسمبلی ہے وہ اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں آپ کی جنہوں نے قانون پاس کیا اور کیا ان کی ای میل اور فیس بک اور ٹویٹر کے بارے میں انہیں پتہ ہے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بزرگی کے اس میں آ گئے ہیں ان کے پاس اس کا استعمال نہیں ہے کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت جو پارلیمنٹیرین کے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو نہیں کرتے ہوں گے استعمال لیکن مقصد استعمال کرنے سے نہیں لیکن دیکھتے تو ضرور ہوں گے کسی نہ کسی شکل میں یا انہوں نے کسی کے ذریعے سے بنایا ہوا ہوگا یا اپنے پی ایس کے ذریعے سے بنایا ہوا ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ قانون پاس کرتے ہیں انہیں پہلے مکمل طور پہ اس بارے میں جاننا ضروری ہے میں دیکھیں یہی کہنے جا رہا تھا کہ ہمیں پہلے قوم کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ اس کے استعمال کے کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا نقصانات ہیں جب تک قوم کو ہم یہ نہیں بتائیں گے اس بچے کو جو نیا پیدا ہوا ہے اس نے سنا یہی ہے کہ صدر خراب ہے وزیر اعظم خراب ہے اسمبلی خراب ہے وزراء خراب ہیں جمہوریت خراب ہے تو اس کے ذہن میں ایک خاکہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ سب خراب ہے تو وہ پھر اسی کا استعمال جو ہے وہ اس انداز سے کر رہا ہے کہ نگیٹو انداز میں کر رہا ہے تو پہلے ہم اس کی نگیٹیوٹی کو جو ہے نا وہ صحیح کریں تاکہ وہ پھر صحیح جو ہے چل سکے تو میں یہی کہوں گا کہ ہمیں جو ہے اس طرف توجہ دینی چاہیے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں ہم اس کے فیور میں ہیں سائبر کرائم بل کے آپ نے حق میں ووٹ دیا ابھی میں آئی ہوں تو سائبر کرائم پر کل میں اتفاق سے بیمار تھی اور اس میں کچھ ہم نے امینڈمنٹ دی تھی آپ اس کے سپورٹ میں ہونا چاہیے تو جو ہم نے امینڈمنٹ دی تھی کچھ حکومت نے اس کو قبول کیا اور کچھ چیزوں کو قبول نہیں کیا پھر ہم نے مشترکہ طور پہ اس کو سپورٹ کیا ہاں جی اچھا آپ کا ذاتی کوئی ای میل ہے اکاؤنٹ ہے فیس بک اکاؤنٹ آپ خود استعمال کرتے ہیں ٹویٹر اکاؤنٹ سوشل میڈیا جی 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 میں بالکل ہاں میرا ایم این عائشہ سید آفیشیل کے نام سے ہے اور ٹویٹر پہ بھی میں ہوں ہاں جی آپ سمجھتی ہیں کہ جن لوگوں نے قانون پاس کیا ہے ان میں اکثریت کو سوشل میڈیا کا پتہ ہے یا نہیں پتہ آپ کا کیا ہے دیکھیں جی اس پارلیمنٹ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کو سمجھتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو ان کے پیچھے ان کے جو ورکر ہوتے ہیں ان کا جو کارکن ہوتا ہے ان کے جو جیالے ہوتے ہیں وہ اس کا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے ٹھیک بہاف پہ ان کے بہاف پہ استعمال کرتے ہیں اور یا جو ہوتے ہیں مطلب میں کہوں گی کہ تقریباً 30-40% جو ہیں وہ خود استعمال کر رہے ہیں باقی جو ہیں وہ ان کے اور پیچھے سے سپورٹ ہے آپ کا خود بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں ہمارے بچے بھی استعمال کرتے ہیں آپ کا ای میل ہے جی میرا ای میل ہے آپ خود اس کو اوپن کرتے ہیں یا بچوں سے ہیلپ بچوں سے ہیلپ لیتے ہیں بچوں سے ہیلپ لیتے ہیں فیس بک اکاؤنٹ یا ٹویٹر ہے آپ کا سب کچھ ہے لیکن وہ بچوں سے میں تعاون لیتا ہوں اور ہمارے بچے جو ہے اس پہ کام کرتے ہیں تو یہ بل کے حق میں آپ نے ووٹ دیا بل کے حق میں ہم نے اس لیے ووٹ دیا کہ ہم حکومت کی اتحادی ہے ورنہ ہمارے اس میں کچھ تحفظات تھے اس تحفظات کا اظہار ہمارے ممبر نے کر لیا پارٹی کی طرف سے تو جو تحفظات تھے وہ ہم نے ظاہر کر دیا لیکن چونکہ حکومت کے ساتھ دو تہائی اکثریت ہیں اس بلبوتے پہ وہ پاس ہو گئے یہ بتائیں آپ نے بل کے ہم بل کی حمایت بھی کرتے ہیں اس میں اچھی اچھی چیز بھی ہیں اس کی ہم حمایت کرتے ہیں جو اچھی چیز ہے اور جو بری چیز ہے اس کی ضروری کے مخالفت بتائیں کہ یہ بل پہ حمایت کرنے سے پہلے آپ نے بچوں سے مشورہ کیا نہیں بچوں سے میں نے مشورہ نہیں کیا ہے ہمارے بچے جو ہے نافرمان نہیں ہے مولی کے بچے ہوتے ہیں وہ نافرمان نہیں ہوتے ہیں نافرمانی کی کیا بات جو بات صحیح ہے اس پہ تو ڈٹ جانا چاہیے بالکل بالکل وہ ڈٹ پہ اس پہ ڈٹتے ہیں تو آپ نے بچوں کے ساتھ کبھی ڈسکس کیا کیونکہ بچے آپ کا میڈیا استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا ہے اور میں نے ان کو کہا بھی ہے کہ جی میڈیا میں خاص کر سوشل میڈیا میں جو بری چیزیں ہیں اس سے دور رہیں اور اس کو نزدیک نہ جائیں اور جو اچھی چیزیں ہیں اس کو بے شک استعمال کریں آپ کو کیسا لگا کہ آپ ایک ایسی چیز کے اوپر قانون کی حمایت کر رہے ہیں کہ جو آپ خود استعمال ہی نہیں کرتے یا بچوں کی مدد لیتے ہیں یا دوسروں کی مدد لیتے ہیں تو آپ کو خود تو پتہ ہی نہیں ہے سوشل میڈیا نہیں میں تو استعمال کرتا ہوں میں تو استعمال کرتا ہوں بچوں کے ذریعے لیکن اس کے اس سے تعاون لیتا ہوں میں تو بڑا ہوں اب اس پوزیشن میں نہیں ہوں آپ کا اسمارٹ فون ہے جی اسمارٹ فون میرے ہے اسمارٹ فون اور عام فون میں کیا فرق ہوتا ہے بہت فرق ہوتا ہے آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے مطلب ظاہری شکل میں کیا فرق ہوتا ہے ظاہری شکل میں یہ فرق ہے کہ عام فون یہ ہے جو میرے جیب میں ہے اور اسمارٹ فون جو ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ میرے جیب میں نہیں ہے گھر میں پڑا ہوا ہے اس بل کے حوالے سے آپ نے کیا ووٹ دیا اس کے حق میں میں تو یہی کہوں گی کہ جی بالکل جی اور اس کے علاوہ یہ کہ جی ہمیں سوشل میڈیا پہ ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے جی جو عوام کی بہتری اور ایک انسان کی بنیادی ضرورت کے لیے ضروری ہیں جی اچھا یہ بتائیں آپ سوشل میڈیا استعمال کرتی ہیں آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے
جی بالکل استعمال کرتے ہیں اور اس کے استعمال کے بغیر تو آج کل گزارا ہی نہیں. آپ کے ای میل ہے آپ کا؟ جی میرا ای میل بھی ہے جی, ٹویٹر بھی ہے جی, اور آج کل آپ کو پتا ہے اس کے علاوہ تو گزارا بھی نہیں ہے جی. آپ اسمارٹ فون استعمال کرتی ہیں یا نارمل فون؟ ویسے تو جی ہم سادے لوگ ہیں جی, میں نارمل فون استعمال کرتی ہوں, لیکن اب آج کل چونکہ ان چیزوں کی بھی ضرورت ہے تو ہمیں اسمارٹ فون کی بھی ضرورت ہے جی. اچھا آپ کے جو اکاؤنٹ ہیں یہ فیس بک اور ٹویٹر, یہ آپ خود اس پہ کام کرتے ہیں یا آپ نے لوگ رکھے ہوئے ہیں؟ نہیں جی, میں فیس بک اور ٹویٹر دونوں خود یوز کرتی ہوں, کیونکہ ظاہر ہے جی مجھے پبلکلی بھی ان ٹچ رہنا ہوتا ہے, تو اس لیے. تو آپ نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے؟ اس میں یہ تو آپ نے وہ انوشر رحمان کا بیان سنا کہ یہ کئی سالوں سے اس پر کام ہوتا رہا, اور اس نے یہ بھی تسلیم کیا, باقی ممبران نے بھی کہا کہ اس میں بعض چیزیں ہوں گی لیکن اس کی پھر ترمیم کر لیں گے, لیکن موجودہ وقت جو جیسے وہ نیٹ پر آتے ہیں اور جیسے حمایت میں ہم نے. آپ کو پتا ہے یہ سوشل میڈیا انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے؟ پتا آپ کو؟ کیوں پتا نہیں, لیکن اس میں جو فوٹو لگاتے ہیں, جو بیانات دیتے ہیں, جو کسی کی تذلیل کرتے ہیں, تصحیح کرتے ہیں. آپ نے آخری بار کب دیکھا انٹرنیٹ اور کمپیوٹر؟ میں نے آخر تقریباً ایک دو دن تھے پہلے دیکھا تھا. آپ کا اپنا ای میل اکاؤنٹ ہے؟ ای میل نہیں بنایا. آپ کا ای میل اکاؤنٹ نہیں بنایا؟ میں نے. آپ کا فیس بک اکاؤنٹ؟ میرے سیکرٹری کا ہے, میرے بیٹے کا ہے, ان کا ہے, وہ مجھے بتاتے ہیں. آپ کا ٹویٹر وغیرہ کچھ بھی نہیں؟ میں ذاتی نہیں بنایا. آپ سوشل میڈیا پہ نہیں ہیں؟ میں ذاتی طور پر نہیں ہوں, میری سیکرٹری ہے, میرے بیٹا ہے, وہ ہے اس پر. اچھا تو پھر آپ کو کیا پتا ہے جس پہ آپ نے قانون پی ہے پہ آپ نے مہر لگائی, آپ منظوری دی, آپ کو پتہ ہی نہیں سوشل میڈیا کا؟ سوشل میڈیا کا پتہ ہے. ای میل کیوں نہیں بنایا؟ آج تو ہر بندے کا ای میل ہے. ای میل اس میں کچھ باتیں ہوتی ہیں, میرے بیٹے کا ہے, میرے سیکرٹری کا ہے, وہ سب کچھ مجھے بتاتے ہیں. اچھا یہ ای میل بنانے میں کوئی شرعی مسئلہ تو نہیں؟ نہیں نہیں, شرعی مسئلہ تو کوئی نہیں, لیکن یہ ضرورت, جب میرے ضرورت سیکرٹری پوری کرتا ہے, بیٹا پورے کرتا ہے, تو کیا ضرورت ہے؟ آپ کے نام کا اکاؤنٹ سیکرٹری نے بنایا یا آپ نے؟ اپنے نام پر بنا ہے. آپ کے نام کا نہیں؟ نہیں, اور بیٹے نے بھی اپنے نام کا بنایا. اچھا تو وہ پھر یہ آپ کا سرکاری کام کیسے ہوتا ہے؟ آپ وہی کرتے ہیں نا کام, تو میں خود نہیں کرتا, کام تو وہی لوگ کرتے ہیں. آپ کا سیکرٹری ذاتی سیکرٹری ہے یا سرکاری ملازم؟ نہیں نہیں, ذاتی سیکرٹری ہے. یہ سرکاری معاملات میں آپ ایک ذاتی سیکرٹری کو کیسے لا سکتے ہیں؟ ذاتی معاملات تو کم کرتے تو ہم کہیں, لیکن فون کرتے ہیں, وہاں پر جاتے ہیں, وہ سب کچھ مجھے ایک گائڈ لائن دیتا ہے, ایک پروگرام پر. اچھا یہ فیس بک کیا ہوتا ہے؟ فیس بک یہی ہوتا ہے کہ اس میں وہ نمبر ہوتا ہے, وہ پھر وہ اشتہارات دیتے ہیں, پھر ان کے ایک جماعت ہوتی ہے, ان کے کچھ ساتھی ہوتے ہیں, وہ اس پر پھر لکھائی کرتے ہیں, اور یہ اپنا جو نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں. سائبر کرائم بل جو اسمبلی نے پاس کیا ہے, آپ نے بھی اس میں اپنا ووٹ کا اختیار استعمال کیا؟ میں تو تھا نہیں. اچھا ویسے آپ اس کے حق میں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں جائز تھوڑی بہت باتیں جو امینڈمنٹ آئی ہیں سینٹ سے وہ دیکھنی چاہیے تھی. میں ایسے ہی آپ سے غلط بات کہوں, اگر ان کو بھی آن بورڈ کر لیا جاتا تو کوئی حرج نہیں. اچھا لیکن یہ تاثر ہے کہ جن لوگوں نے یہ سائبر کرائم بل پاس کیا ہے ان میں سے اکثریت اراکین اسمبلی کو یہ پتہ نہیں انٹرنیٹ ہوتا کیا ہے, سوشل میڈیا ہوتا کیا, یہ حقیقت ہے؟ میں بھی ان میں شامل ہوں. نہیں تو پھر آپ نے جو اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں تو یہ جعلی اکاؤنٹ ہیں یا کیسے؟ آپ آسم نے ایک جینوئن اکاؤنٹ بنایا 20-25 لاکھ لوگوں کا, اور 14 اگست کو پہلا ٹویٹ کروں گا. وہ ٹویٹ تو کریں گے لیکن آپ وہ خود آپریٹ نہیں کرتے. میں آسم میرے بھی آپ پہ کرتا ہے, میں خود کرنے لگا ہوں 14 اگست سے. اور کوئی سوال تو نے تنقیدی کرنا؟ نہیں تنقیدی نہیں. فیس بک آپ استعمال کرتے ہیں؟ میں کوئی چیز 14 اگست سے استعمال شروع گا. آسم صاحب کراچی والے دونوں میری چیزیں. آسم نے اسمبلی میں آ کے تقریریں کرنی ہوتی ہیں, ووٹ ڈالنے میں نے کرنی ہے, ٹائپ اس نے کرنا ہوتا ہے, میں لیڈر ہوں. یہ نئے قانون کے تحت کیا اس کی اجازت ہے کہ آدمی جو ہے یہ قانون پاس کرے؟ یہ اجازت ہے. آپ نے اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی ڈیبیٹ میں حصہ لیا سائبر کرائم کے اوپر؟ میں اس کا ممبر نہیں ہوں. تو آپ کے خیال میں یہ جو سائبر کرائم کا بل پاس ہوا ہے اس میں جرائم کون کون سے ہیں یہ بتا دیں؟ اس میں ہر وہ جرم ہے جو کسی کی حق تلفی کرے, جو اس کی عزت سے خراب کرے. مثلاً فیس بک میں کیا جرم ہوگا, کوئی ایک دو بتا دیں. سارے جرم ہی فیس بک میں, ایک جرم ہے وہاں پہ, بتائیں تو صحیح نا. بتا دیا سر, آصف سے انٹرویو کر لوں؟ ہاں اس سے کر. ای میل ہے آپ کا؟ ہے میرا @gmail.com. وہ اس کے لیے بھی کرائے کے بندے رکھے؟ نہیں وہ ہو جاتا ہے. سائبر کرائم بل جو آپ کی پارٹی نے منظور کروایا قومی اسمبلی سے, اس میں ایک دو جرم بتا دیں جو آپ کے خیال میں بڑے ہی خطرناک تھے اور ان کے لیے ضروری. سب سے زیادہ خطرناک یہ تھا کہ یہ ایک ٹول تھا ٹیررسٹ کے ہاتھ میں,
और उस पर मॉनिटरिंग की उसकी ज़रूरत थी। दूसरा ये है कि इखलाकी बेराह रवी बड़ी फैल रही थी और उसके मेरा ख्याल है मीडिया से बेहतर कोई विटनेस नहीं है कि जो कुछ हो रहा था और कौम इखलाकी पस्ती की तरफ जा रही थी। आपने कभी ज़ाती तौर पे फेसबुक पे कोई ऐसी अखलाक बाख्ता चीज़ देखी? अपना अभी मैं टेलीफोन खोलूँगा तो वो एक दवाइयों का इश्तहार आ रहा है और उसको हम आज बंद कर, आप उसको क्लोज नहीं कर सकते? एक बटन दबा सर, बिल्कुल एक बटन में। कानून की जरूरत क्या थी? कानून की जरूरत यह है कि जो लगा रहे हैं वो तो मुजरम है ना, जो देखना चाहते हैं और फिर कहते हैं कानून भी होना चाहिए। नहीं, कोई देखना नहीं चाहता, बुरी बात नहीं, आप और हम सारे नेक आदमी हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये बताएं मनाज साहब, आपका अपना ईमेल है? जी है। आप उसको खुद ऑपरेट करते हैं? जी करता हूँ। और आपका ट्विटर अकाउंट, फेसबुक? नहीं, ट्विटर तो मैं इतना नहीं करता, लेकिन फेसबुक में मैंने कभी कोई मैसेज नहीं किया, सिर्फ देखता हूँ लोगों की एक्टिविटीज। सिर्फ देखते हैं? अच्छा, तो ये ट्विटर अकाउंट आपका है लेकिन आप ऑपरेट नहीं? नहीं, मुझे टाइम नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता। अच्छा, ये बताएं कि जब ये बिल पास हो रहा था तो आपने देखा कि आपके अक्सरियत साथी ऐसे लोगों की है कि जिनको पता ही नहीं इंटरनेट क्या होता है, सोशल मीडिया क्या होता है? नहीं, जिनको तो नहीं पता उनके बारे में मैं नहीं कह सकता, जिनको पता है वो बिल्कुल इस बिल के हामी थे। आप व्हाट्सएप भी इस्तेमाल करते हैं? व्हाट्सएप भी करता हूँ। अच्छा, आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं ऑब्वियसली या दूसरा आम फोन? नहीं, मेरे पास जो फ़ोन है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। यही है ये स्मार्टफोन? अच्छा, ठीक। तो ये किससे आपने सीखा ये सब कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं सीखा, अभी तो पूरा सीखा भी नहीं है। हमारी जो बेसिक ज़रूरियात होती हैं, टेलीफोन सुनना, मैसेज सुनना, मैसेज देखना, मैसेज करना, अगर कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया उसे देखना, ईमेल को देख लेना और वो अपने अमले को दे देना कि इस पे कर लो। अब ये बताएं कि क्या आपके जो कायदे हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया का उन्हें पता है? देखिए मेरी बात सुने, वज़ीर-ए-आज़म के पास इतना टाइम है मतीउल्ला, आप समझदार है, और उनके पास एक पूरी टीम है जो कि सोशल, कल हमने बच्चे बुलाए हुए थे जो 250 की जो के सोशल मीडिया टीम है हमारी पार्टी की, कल प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें ख़िताब भी किया, तो जो टीम जिसका काम है वो करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इतना फारग तो नहीं है ना बेचारा कि वो स्मार्टफोन यूज़ करने वाले फारग लोग होते हैं? नहीं नहीं, फारग नहीं होते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की जो मसरूफियात हैं, प्राइम मिनिस्टर को तो ज़्यादा पता होना चाहिए टेलीफोनों का, वो बताते हैं सारे, जो टीम बताती है वो। उनका कोई ज़ाती ईमेल है? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। उनसे कभी ईमेल पे आपका रब्ता हुआ? जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरा वैसे ही हो जाता है। वो तो फोन उठा के भी नहीं फिरते हो? नहीं नहीं, क्यों उठा के फिरे, वज़ीर-ए-आज़म को आपको देखा ना, वो कंप्यूटर लिटरेट है या नहीं वज़ीर-ए-आज़म ये बताएं? नहीं नहीं, उनका कंप्यूटर का पता है, लेकिन वो आम तौर पे टाइम की वजह से एक टीम है उनकी, स्टाफ है जो करता है। ये साइबर क्राइम बिल जो मंजूर हुआ है, तो आप इंटरनेट और सोशल मीडिया के हवाले से कितना जानती हैं ज़ाती तौर पे? साइबर क्राइम बिल को या इंटरनेट को? इंटरनेट के हवाले से। देखिए, अब इंटरनेट जो है न सिर्फ दुनिया में लेकिन पाकिस्तान में भी जो हमारा यूथ है बिलखसूस, लेकिन पूरे माशरे में वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और न सिर्फ इंटरनेट लेकिन आपका ये अब ऑफिस हो गया है एक लैपटॉप, तो मैं समझती हूँ कि कल जो हमने काम किया है अनफॉर्चुनेटली वो एक धब्बा है इस पार्लियामेंट के ऊपर, कि जब इस पार्लियामेंट के इस बिलखसूस इस गवर्नमेंट के गिने जाएंगी तो इसमें ये सर फहरिस्त होगा कि हमने एक जमहूरी गवर्नमेंट ने लोगों के राइट्स को कैसे जब्त किया है, और न सिर्फ ये जब्त करना, ये हमने एक सर्वेलेंस का सिस्टम क्रिएट किया है कि हम जो बंदा अपना इंटरनेट यूज़र है और मोबाइल फ़ोन यूज़र है और कंप्यूटर का यूज़र है उसके ऊपर हमने एक सर्वेलेंस का इंस्टीट्यूशन बना दिया, निगरानी हो रही है उसकी निगरानी, और आप फिर वो गवर्नमेंट के डिस्क्रेशन पर है, उस ऑफिसर के डिस्क्रेशन पर है कि वो किसको किस वक्त सजा दे रहे हैं। अभी कहते हैं कि इससे एक बहुत माहौल जो है वो टेंस हो जाएगा, और एक जो आज़ादी इजहार है वो एक बुरी तरह उससे मुतासर होगा। अभी कह रही हैं कि ये चादर और चारदीवारी खतरे में है साइबर क्राइम बिल से, जो एक प्राइवेसी होती है? नहीं नहीं, प्राइवेसी नहीं है, आज़ादी तनकीद, एक जो जमहूरियत और डिक्टेटरशिप में क्या जो आप कह रहे हैं ना मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस बढ़ जाएगी, तो वो तो फिर प्राइवेसी और चादरों चारदीवारी वाली नहीं, सर्वेलेंस तो वो उस सूरत में कि ये लिख क्या रहा है, कह क्या रहा है, इसको हम कैसे पकड़े, तो वो प्राइवेसी तो ब्रीच हो, आहिस्ता 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 वो किसी भी बच्चे को, किसी नौजवान को, किसी भी बुजुर्ग को जो
हो सकता है गवर्नमेंट पर तनकीद करे, इम्पर्सनेट करे किसी भी शख्सियत को, उसको आप उठा के अंदर 3 साल के लिए जेल और सजा दे दें। अच्छा ये बताएं कि मैं समझती हूँ कि मुझे हैरत है कि प्रिंट मीडिया और यू नो जो हमारे टेलीविज़न चैनल्स वगैरह हैं उस पर क्वाइट हैं। ये बहुत एक काम ऐसा नहीं होना चाहिए था जो पार्लियामेंट में किया है, और हम उसकी तरीक़ेकार की भी मजहमत करते हैं जिस तरीक़ेकार से वो लाया गया, उसको पास कराया गया। डॉक्टर साहब ये बताएं कि एक तरफ तो हमारे मुल्क में शहरियों की टेलीफोन गुफ्तगू भी और प्राइवेसी भी महफूज नहीं है, खुफिया अदारे बगैर किसी कानून के अपनी मर्जी से जिसकी टेलीफोन रिकॉर्ड करना चाहें, जिसका ईमेल के अंदर हैक करना चाहें या उसकी प्राइवेसी इंफॉर्मेशन जो है चोरी करना चाहें वो करते हैं, तो उस कानून की अदम मौजूदगी में ये मजीद जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही हैं शहरियों पर साइबर क्राइम लॉ के साथ, आप नहीं समझते एक बहुत बड़ा तजाद है और उस चीज़ को भी रोकना चाहिए जो खुफिया अदारे बगैर किसी कानून के कर रहे हैं? जी इस पे तो बहुत बात पहले भी हो चुकी है, पार्लियामेंट में भी हमने इसको रेज़ किया है कि जो यही जो सर्वेलेंस की मैं बात कर रही हूँ, अब इस सर्वेलेंस को पहले तो आप बिलखसूस सियासतदान हैं या कोई ऐसे मखसूस लोग हैं उनकी टैपिंग होती थी, और ये इस वक्त तो पूरे माशरे की वायर टैपिंग हो रही है, तो ये ताज़ाद नहीं है, ये उसी माइंडसेट का हिस्सा है कि रियासत जो है वो हर किसी के अंदर घुसकर और उसको कंट्रोल करना चाहती है कि वो क्या सोच रहा है कि क्या कह रहा है। ऑलरेडी मैंने कल ये कहा कि एक तो सिविल सोसाइटी जो है लॉयर्स हैं जर्नलिस्ट्स हैं वो अंडर थ्रेट हैं अंडर टेररिज्म, आया दिन आप देखें 2 कैमरामैन शहीद हुए क्वेटा में, सहाफ़ी और वकील पूरी एक वकला बरदरी की एक जनरेशन पर से ये पाबंदी, तो एक तरफ तो आप और दूसरी तरफ आप पूरी सिविल सोसाइटी की जो आवाज़ है उसको स्ट्रैंगल कर रहे हैं। आप ये मानती हैं कि असेंबली में ये कानून पास करने वालों में अक्सरियत उन लोगों की है जिनको पता ही नहीं इंटरनेट क्या है और स्मार्टफोन क्या है और इस्तेमाल भी नहीं करते? मुझे नहीं पता जी, इनके पीएमएलएन के मेम्बरान जो हैं वो सारे के सारे, बहुत कम इनमें से इंडिपेंडेंट माइंडेड हैं, वो सारे के सारे बस जैसे उनको एक वो नहीं होता शेपर्ड जो है वो शीप को जहाँ चाहेगा वैसे, मैं नहीं चाहती कि मैं अपने मौजूदा पार्लियामेंटेरियंस के लिए कुछ ऐसे अल्फाज कहूँ, लेकिन इफ़ दे आर नॉट थिंकिंग माइंड्स, इफ़ दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उनके बैक बेंचर्स हमारे साथ थे। अच्छा, कंप्यूटर बैक बेंचर्स ने कहा कि हम आपके साथ, क्या अक्सरियत को पता भी है ये कंप्यूटर इंटरनेट क्या होता है? देखिए सबको सब कुछ पता होना चाहिए न, वरना फिर पार्लियामेंट में क्या कर रहे हैं, लेकिन ये है कि अगर आप अपनी आंखें कान बंद करके फिर आप इधर बैठेंगे तो कौम जो है वो आपको आगे माफ नहीं करेंगे। ये जो साइबर क्राइम बिल है आपने इसकी हमायत में वोट दिया? नहीं, हमने तो इसको अपोज किया है और हम पीटीआई तो इसको अपोज करते इसलिए कि ये बिल में मतलब काफ़ी अमेंडमेंट की ज़रूरत है, इसमें कुछ ऐसे क्लॉज है कि वो ठीक है लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतर नहीं है, तो हमने इसको अपोज किया हुआ है। जी पीटीआई खासकर सोशल मीडिया के हवाले से बड़ी एक ताकत है और लोग डरते भी हैं, पीटीआई के ट्रोल्स का हवाला देते हैं, तो आप समझती हैं कि इस कानून के पास होने के बाद जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है वो किसी दबाव में होगी? मैं तो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम की बात नहीं करूंगी, मैं तो पाकिस्तान के हवाले से बात करूंगी कि जिस बात में जिस चीज़ में हमारे आम शहरी सिक्योर हो तो वो बिल पास करने चाहिए, ऐसे बिल नहीं पास करने चाहिए कि खामखा एक बंदे बेगुनाह बंदे को पकड़ के उसके ऊपर कोई केस बना ले, तो मैं इसको बेहतर सोशल मीडिया के थ्रू पीटीआई की प्रमोशन ही, पीटीआई ऐसी प्रमोट पार्टी है और वो इस पाकिस्तान के हक के लिए बात करे, अभी देखिए कंटेनर पर धूप और गर्मी में कौन निकलते हैं, वो एक ही पार्टी है जो सड़कों पर निकल रही है। जी अच्छा, मैडम ये बताइए ना कि अब जबकि ये कानून पास हो रहा है तो ये भी एक तासर है कि जो अक्सरियत है अराकीन पार्लियामेंट की उनको तो कंप्यूटर लिटरेट ही नहीं है, इंटरनेट का पता नहीं है, उनकी ईमेल भी नहीं है, तो आप अपने बारे में कुछ बताएंगी? आपका ईमेल है, आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हैं? जी मैं बिल्कुल, हम लोग सोशल मीडिया बिल्कुल इस्तेमाल करते, ईमेल भी है फेसबुक भी है। आपका अपना ज़ाती? जी मेरा ज़ाती ईमेल भी है फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी यूज़ करते हैं, एक फैसिलिटी है उसको हम भी यूज़ कर रहे हैं। ट्विटर अकाउंट भी आपका? ट्विटर इतना ज़्यादा नहीं मैं मतलब, लेकिन ये 2-3 चीज़ें मतलब हम बिल्कुल यूज़ करते हैं। ट्विटर पर जो भी मतलब ऐसे मैसेजेस वो जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम देखते रहते हैं, इसी कि आजकल ये दौर हो गया जो गवर्नमेंट की तरफ से भी ट्विटर पे जल्दी खबर आ जाती है, पार्टी की तरफ से भी जल्दी खबर आ जाती है, इसलिए उसको देखना उसको एसपीआर की तरफ से भी करना हमारा मतलब वो ज़रूरी है। अभी जो जो चीज़ नया आप खुद ऑपरेट करती हैं या आपको ऑपरेट करती हूँ? अकाउंट अपना फेसबुक अकाउंट बिल्कुल, मैं खुद बिजनेस वूमेन
रही हूँ और बिजनेस वुमेन हूँ और मैं शुरू से ईमेल पे सारा मेरा वेबसाइट है और सब चीज़ें हम ईमेल पे देखते हैं। ये तो ज़रूरी है। मैं आपको कह रही हूँ इस बिल में कुछ अच्छाई भी थी लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आम आवाम को फैसिलिटेट नहीं कर सकता था और उसके लिए ये ख़तरनाक था, तो इसलिए हम इसके साथ हमने पोजीशन ने नहीं दिया। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऐसे बिल नहीं पास करेंगे जिससे उसको फ़ायदा हो और आम आवाम को सर्वाइव करें। जी कानून बनने जा रहा है तो जारी बात है इसका सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी इतलाक तो होगा इसका। ज़ाहिर बात है पूरे पाकिस्तान में होगा, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं, हम पाकिस्तानी और पूरे पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं कि ऐसे कानून इस असम्बली से बने कि कम से कम इस आवाम को हम कुछ डिलीवर कर सके। ऐसे कानून ना बने, ऑलरेडी इतने क्राइसिस और प्रॉब्लम्स है तो और भी लोगों को प्रॉब्लम्स में हम डालें। सोशल मीडिया की अगर रिक्वायरमेंट है तो उसको कंटिन्यू रखें, अगर नहीं है ऐसे दुनिया में जो चीज़ चल रही है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी होना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको इस बिल में मैंने स्टडी की कि वो बेहतर नहीं है लेकिन बहुत सारी बेहतरी भी हैं। तो मतलब हमेशा जी दिया है जी। आप खुद ज़ाती तौर पे सोशल मीडिया और इंटरनेट से वाकफियत रखते हैं? देखिए जी, मैं सोशल मीडिया इंटरनेट से वाकफियत ज़रूर रखता हूँ लेकिन हर बिल के अंदर ये नहीं होता कि हर बिल को नेगेटिव तरीके से देखा जाए या हर चीज़ को नेगेटिव तरीके से देखा जाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं उनको पॉजिटिव से भी देखा जाता है, नेगेटिव से देखा जाता है। जिसमें नेगेटिव ज़्यादा असरात हों, जिस पर किसी की ज़ात इज़्ज़त और उसके घर की चारदीवारी का तकद्दस पामाल हो रहा हो, उन चीज़ों को अगर कानून के दायरे में रख कर किसी को इज़्ज़त दी जा सके, किसी औरत को, किसी मर्द को, किसी और किसी बड़े ओहदे पर बैठे हुए शख्स के खिलाफ वैसे ही एक सोशल मीडिया एक चीज़ उछाल दे या ऐसी एक चीज़ बना दे जिससे वो बेचारा शायद एक शरीफ आदमी हो और वो किसी का काम ना कर रहा हो जायज़ तरीके से और उसे सोशल मीडिया में बदनाम करने की कोशिश कर दे। ये बिल इसलिए बना है कि अगर आप दायरा कानून के अंदर रहकर जो काम भी करेंगे उसको आपको इज्जत और अफादियत मिलेगी। जो दायरा कार से बाहर रहकर लोग काम करते हैं, अब देखें ना, कुछ लोग हैं वो बच्चों का अगवा कर रहे हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जो ताजरों का अगवा कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुल्क के अंदर दहशतगर्दी फैला रहे हैं। अब अगर ये समझा जाए कि अगर हमारी जो जितनी एजेंसीज हैं जिसमें निसार अली खान वज़ीर दाखला जो है हमारे, उन्होंने काम किया और उनकी टीम ने काम किया और हमने मोबाइल के ज़रिए उन दहशतगर्दों तक पहुँचे, ठीक है, अगर इसी तरह ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, अगर ये सिस्टम अच्छी तरफ जाएगा, अगर यही बिल अच्छी तरफ लेके जा रहे हैं हम और इसमें बेहतरी आ रही है, यही सेनेट में कौमी असम्बली में हमारी कल जो मिनिस्टर साहब हैं अनुशा रहमान साहब, उन्होंने अपने स्पीच में कहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहती, वो मेरे पास आए हैं और उनकी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उछाली गई हैं और उनको मैंने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में किया है। ये चीज़ें रोकने के लिए ये साइबर बिल आया है। मलिक साहब, ये बताएँ कि आप ज़ाती तौर पर सोशल इंटरनेट कितना इस्तेमाल करते हैं? आपका ज़ाती ईमेल है? जी सर, हमारा ईमेल भी है, हम सोशल मीडिया में काम करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, लेकिन हम का फेसबुक अकाउंट ट्विटर जी फेसबुक है। आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ जो है इंटरनेट के जरिए रबते में रहते हैं सोशल? सर मैं देखें जी, ये तो अभी आया ना सोशल मीडिया, जिसे आप सोशल मीडिया का नाम दे रहे हैं, हम वैसे ही अपनी आवाम के साथ रबते में रहते हैं। मेरे हलका के अंदर मेरे अलहमदिल्ला मेरे जो हैं 16 वार्ड हैं कैंटन बोर्ड के, 10 वार्ड हैं पिंडी के, 6 वार्ड हैं चकलाला के, मेरे 16 दफातर वहाँ कायम हैं। मैं 16 दफातर में हर महीने में बैठता हूँ, 16 दफातर में। जब मैं 16 दफातर में बैठता हूँ मैं पब्लिक के साथ डायरेक्ट रबते में हूँ, ये इससे बढ़कर क्या रबता हो सकता है? व्हाट्सएप और ये दूसरे जो साइट्स हैं इनका भी फ़ायदा आप उठाते हैं अपने? देखिए ये देखें, जब हमें कोई हमारा कोई भाई, हमारी कोई बहन, हमारा साथी हमें कोई मैसेज करता है कि हमारे गली में ये काम है, मोहल्ले में ये, कोई डॉक्यूमेंट या पिक्चर भेजता है, हम उस पर अगर अच्छा है काम करके उन्हें रिपोर्ट देते हैं तो अच्छी बात है। मैंने अभी भी कहा कि दायरे के अंदर रह के काम किया जाना चाहिए, दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। आप समझते हैं कि इस कानून पर जिन जिन लोगों ने वोट दिया है उनके लिए ज़रूरी था कि इसका वो खुद पहले इंटरनेट को जाने और वो खुद उनको? देखिए ये आज का नहीं है जी, ये कम अज़ कम इसको 2 साल से ज़्यादा हो रही हैं, कमेटियों में डिस्कस हो रहा है, एनजीओज में डिस्कस हो रहा है, मुख्तलिफ फॉर्म पे डिस्कस हो चुका है, इसकी सारी चीज़ें आई हैं, मिनिस्टर साहब ने सारी चीज़ें भेजी हैं एक एक मेम्बर को, उन्होंने देखा है पढ़ा है। अब ये बातें देखें ना जी, अब जब बिल पास होने जाता है हुकूमत का मौका होता है कि हम इस पर स्टैंड लें, हम अपोजिशन का किरदार अदा करें, और जो हमारे मेम्बरान हैं उनका स्टैंड होता है कि हमने वोट देना है। अब ये चीज़ जो है इसको हम इशू बना लें वो तो इकलौता बात है, लेकिन इसमें बेहतरी आएगी, कोई ऐसी बात नहीं होगी। चौधरी साहब, ये जो साइबर क्राइम बिल पास हुआ है इंटरनेट और सोशल मीडिया के हवाले से, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? ये जी तकरीबन 2 साल से जेरे बहस है, हर फोरम पर बात हुई है, ये कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है।
जो गलत काम करेगा मैं करूंगा, मेरे लिए भी डाले, आप करेंगे आपके लिए भी डाले, वैसे कुछ नहीं कहेगा आपको। अच्छा, एक तासुर ये है कि बहुत से MNAs को तो पता ही नहीं इंटरनेट कंप्यूटर क्या होता है, तो आप जाती तौर पे इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर? मैंने नहीं किया, मेरा बेटा करता है, मेरी नवासी करती है, मेरे पोते करते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। वोट तो आप कहना है असम्बली में, असम्बली में वोट तो मेरा है ना जी। आपने मशवरा किया था अपने बेटे पुत्र नवासी से इस कानून को? करते जी, जो पार्टी फैसला करती है बैठ के करती है, सब लोग इकट्ठे होते हैं। आपका अपना, आपने खुद भी कानून पढ़ा या नहीं? मैंने पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा, मैं बातें देने में, मैं 50 साल हो गए हैं सियासत में, 20 मैंने इलेक्शन लड़े हैं, 20 मैंने जूते हैं जी, जीते हैं जी। तो आपका अपना ईमेल है, ईमेल अकाउंट कोई? मेरा कोई ईमेल नहीं है। कोई फेसबुक ट्विटर? फेसबुक कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर पर नहीं इस्तेमाल कर? खुद ही कंप्यूटर हूँ, खुद ही फेसबुक हूँ, खुद ही। पाकिस्तान, लेकिन आपने देखें, आपने को पता ही नहीं इंटरनेट क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, तो आपने कानून पे वोट कैसे दे दी? नहीं मानू पता है, वो मेरे समझे बातें करते रहते हैं घर में। अच्छा, ये फेसबुक क्या होता है? फेसबुक पता नहीं मुझे क्या होता है, पर होता है। क्यों जी? और ईमेल क्या होती है? ईमेल भी होता है ना, कोई मैसेज कन्वे करना तो ईमेल कर दो जी। आप फोन कौन सा इस्तेमाल करते हैं, दिखा दें। मैं फोन करता हूँ जी, मोबाइल भी, तो दूसरा घर वाला भी है जी। अच्छा, ये स्मार्टफोन क्या होता है? हाँ जी, स्मार्टफोन क्या होता है? स्मार्टफोन, मैं स्मार्ट है ही नहीं, इसलिए मुझे भी नहीं पता स्मार्ट क्या होता है, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, स्मार्ट तो मेरा। तो ये जो कानून पास हुआ, आपकी पार्टी ने आपको कहा कि अच्छा कानून है और आपने वोट दे दी? नहीं, वोट नहीं दिया, इसमें बड़ी बहस हुई है, बड़ी डिस्कशन। इस बहस से आपने सीखा क्या, ये बताए ना, इस बहस से आपने क्या सीखा है कि ये क्या होता है? ये होगा कि जो गलत काम करेगा उसको शिकंजा पड़ेगा। एक गलत काम की मिसाल दे। मिसाल के जो आप लोग, माफ करना, एक्सक्यूज मी, जो कुछ आप लोग हमारे साथ करते हैं जब हम टीवी पर जाते हैं। सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया की नहीं, कंप्यूटर इंटरनेट की बात कर रहा हूँ जी। कोई एक गलत काम की मिसाल जो आप दे सकते? नहीं, अगर होगा, नहीं किया तो आपको आज तक किसी ने पूछा भी नहीं ना। मसलन क्या जुर्म, क्या किया इस कानून के तहत, जुर्म क्या किया आपने? क्या मेरे खिलाफ आप अगर गलत तशहीर करते हैं तो ये जुर्म है। मैं कहता हूँ कि ये आकीब बात है, आप वहाँ कहते हैं उसने कहा नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये पाकिस्तान बना है ना, पाकिस्तान ने हमको बहुत कुछ दिया, हमने पाकिस्तान कुछ नहीं लिखा। ये चौधरी रहमत अली मोहम्मद अली जना की मेहरबानी है, चौधरी रहमत अली मरहूम ने नाम तजवीज़ किया था। चौधरी साहब, ये बताएं ना, आप 10 दफ़ा इलेक्शन जीते हैं, आपने बताया 20 दफ़ा इलेक्शन जीते हैं, आपने अपने हलके के नौजवानों को सोशल मीडिया और इंटरनेट की तालीम देने के लिए अभी तक क्या किया? वो जो कुछ कर रहे हैं, मैं कर रहे हैं, मैं कोई टीचर हूँ, आई एम नॉट टीचर। मैंने बतौर MNA उनके लिए वसाइल फंड फराम किए, वसाइल फराम किए, तालीमी इदारों को कितने कंप्यूटर दिए आपने स्कूलों में? मैंने कंप्यूटर दिया, मेरे कायदे ने दिया, पंजाब के वजीर आला ने। आपके कॉलेज, आपके इलाके में कॉलेज हैं? हमने गांव में डिग्री कॉलेज बच्चियों के बनाए हैं, शहर तो शहर रही ना। तो आपके इन कॉलेजों में कंप्यूटर्स हैं अभी? हाँ जी, उनकी लेबोरेटरीज हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं। हाँ जी बिल्कुल है, मेरे गांव में हाई स्कूल है, वहाँ है। आप चाहेंगे इंटरनेट के बारे में, कंप्यूटर के बारे में सीखना, उस पर काम करना चाहेंगे, या अब आपका दिल खत्म? एक साल दो साल जिंदगी पता नहीं है भी है या नहीं। मैं तो 96 में छोड़ दिया था सियासत, बेटा मेरा आ गया था। कानून भी आप वोट ना देते तो क्या फर्क पड़ता? हाँ, कहीं नहीं देते हमें, तो कहीं ना कहीं कुछ जाओ तो हम कुछ जाएंगे, तो आप कहते हैं वोट ना दें। आपने देखा, अराकीन पार्लियामेंट ने साइबर क्राइम बिल के हवाले से और खासकर इंटरनेट और उनके अपने इल्म के हवाले से क्या जवाब दिए। बहुत से अराकीन ऐसे थे कि जिनके अपने ईमेल अकाउंट तक नहीं थे, वो ये जानते ही नहीं कि फेसबुक क्या होता है। कुछ लोग ऐसे थे अराकीन जो कि ईमेल भी रखते हैं, सोशल मीडिया को इस्तेमाल भी करते हैं, स्मार्टफोन भी इस्तेमाल करते हैं, और कुछ ऐसे भी थे कि जिन्होंने सोशल मीडिया के अकाउंट्स को ऑपरेट करने के लिए ट्विटर और ईमेल किराए पे लोग रखे हुए हैं, या वो अपने बच्चों या अपनी यंग जनरेशन की मदद हासिल करते हैं। ऐसी सूरत हाल में कि जब शहरी आज़ादियों पर पहले से पाबंदियाँ बढ़ती जा रही हैं और बगैर किसी कानून के आम शहरियों की निजी जिंदगियों की मालूमात भी रियासती इदारे हासिल कर लेते हैं, और बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़ुज़ आइन और कानून के मुताबिक नहीं हो रहा, मज़ीद पाबंदियाँ जो हैं इन शहरी ज़िंदगी पर और आज़ादी राय पर
بہت منفی اثر ڈال سکتی ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کے عوام کے منتخب نمائندوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ جہاں وہ پابندیوں والے قانون بناتے ہیں تو وہاں جو شہری آزادیوں کے تحفظ کے لیے پہلے سے موجود قوانین ہیں ان پر بھی سختی سے عمل درآمد کرانے کو یقینی بنائیں۔ اپنا گریبان سے اتنا ہی۔ متیولہ جان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔